ठीक है, अब तो मैं मेरा शूटिंग शुरू करना, ठीक है, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ, एक मिनट इधर। तेरे को किस बेवकूफ ने कैमरामैन बनाया? ओके, सुबह मैंने बनाया था, तेरे को याद आया। एटीएम से पैसे निकालने के बाद वहीं पे गिनने वालों, आपके लिए एक मासूम सा सवाल। मान लो कि पैसे कम निकले तो क्या उखाड़ लोगे? क्या? Roses are red, you are my ex. You want me back? Well, thank you. Next. सर कॉपी चेक कर रहे हैं, मुर्गा बना रहे हैं। सर मुर्गा बना रहे हो, बताया नहीं, इसमें कर दो थोड़ा सा, और ये घर के लिए। बता नहीं रहे हो सर जरा भी। और सर रोटी रुमाल लिए या तंदूरी? डॉक्टर साहब, मैं जब भी कुछ छूता हूँ बहुत दर्द होता है। क्या मतलब? मतलब जब कंधा छूता हूँ तो दर्द होता है, घुटना छूता हूँ तो दर्द होता है, माथा छूता हूँ तो दर्द होता है। ओह माय गॉड, मतलब आपके पूरे शरीर में दर्द है? नहीं बेवकूफ, मेरी उंगली टूट गई है। मेरा तो दुखी खत्म नहीं होता। मैं कहाँ जाऊँ? ये दुनिया में सब्र है, मैं एक अच्छी हूँ, क्योंकि मैं बहू हूँ, मैं माँ हूँ, क्या हूँ यार? अच्छा है। लेकिन हर बात में ना ब्रेकअप की टोन आती रहती है, मनहूसियत। मतलब आप फोन कर लो, आपका मूड ही खराब हो जाए। मतलब फोन किया, मैं कहा है? कह रहा हॉस्टल में। मैं कहा अकेला है? बहुत। अरे भाई कहाँ जा रहा है? दरवाजा बेचना है क्या? नहीं यार, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है ना इसकी, इसलिए। अरे भाई इतना बड़ा रिस्क क्यों ले रहा है? अगर घर में चोर घुस गया तो? अंदर कैसे जाएगा यार, दरवाजा तो मेरे पास है ना। हाँ यार। टिंग टोंग, कौन है बे? क्या इतने जोर से कह क्यों थे बेटे? आवाज तो उतने आएगा ना अंदर। घंटी है ये। जाओ, पहली गर्लफ्रेंड क्यों छोड़ी पता है? क्यों? एक दिन गोलगप्पे की दुकान पे ले गया। अच्छा। 50 गोलगप्पे खा लिए। अच्छा। फिर बोलती और खाऊं? हाँ। मैंने कहा नागिन खा ले। अच्छा। छोड़ के चली गई। अबे तेरी। अच्छा दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ज्ञान की बात बताता हूँ। अच्छा चल ठीक है, बता। जहाँ तुम्हारी इज्जत ना हो ना, वहाँ कभी मत जाना। अबे तू कहना क्या चाहता है? अब हम अपने घर भी ना जाएं क्या? फाटा नहीं है, हाई फैशन हो सकता है। हाई देख लो, काट दिया, मैं इधर से पूरा फट गया था, काट दिया मैं, थोड़ा सा गरीबी आ गया, इधर टॉर्चर ज्यादा हो गया हूँ ना, तो कौन पैंट कहाँ पहनना है समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके लिए भी पूरा बॉयज 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 वो आ रहे। कोई कुछ नहीं बोलेगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा, ओके? कोई कुछ नहीं बोलेगा तो कुछ की जगह क्या बोलेगा? ये समस्या है रे, क्या बोलने का? ए तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जा, आप काम कर। इतना सुन ले, चाय पीगा? धन्यवाद। चाय बना दो? बना दे। अदरक डाल दो? डाल दे। लहसुन डाल दो? डाल दे। प्याज डाल दो? डाल दे। और क्या करो? छोड़, मुझे भी डाल दे। भाई एक बात पूछूं? हाँ भाई पूछ। यार एक बात बता, अकल बढ़िया भैंस? रुक सोचने दे जरा, मुझे बेवकूफ समझा है क्या? पहले डेट ऑफ बर्थ तो बता दोनों की। लेकिन इस उम्र में आप जाएंगे कहाँ? दर दर की ठोकरें खाएंगे? आपकी बूढ़ी हड्डियों में ना जान है ना आवाज में दम, खुल के भीख भी नहीं मांग सकते। मैं ऐसी आवाज देनी पड़ती है? चुप, मेरे जाने की नहीं तेरे जाने की बात हो रही है बेवकूफ। ओए तुझे एक सीक्रेट बताऊं? हाँ बोल। मैंने ना एक नई गर्लफ्रेंड पटा ली और हम सारे दोस्त मिलकर गोवा जा रहे हैं, वहाँ पे फुल ऑन सुट्टा दारू सब मजे करेंगे हम। सुन तो नहीं रही पागल सी? एक नई गर्लफ्रेंड पटा ली और हम सारे पापा। हाँ बोल। दुनिया मांगे सोना चांदी, हम मांगी मेहरारू। क्या मेहरारू? ले मेरा ले, ले मेरा रू, मेरा रू, ले ले मेरा रू, ले ले। अच्छा जी सुनो, कल ना हमारी शादी की 10वीं सालगिरह है। हाँ तो मेरे लिए एक साड़ी मंगवा दो अम्मा जान से। कौन अम्मा जान? अरे अम्मा जान वो कंप्यूटर पे देख के मंगाते हैं जो गवार औरत, वो अम्मा जान नहीं अमेज़न होता है। सॉरी सॉरी सर। बाबू मुझे प्रॉमिस करो रोज सुबह मॉर्निंग किस दोगे, कॉज यू नो ना मेरे चाटे में कॉर्नफ्लेक्स है।
खा के दिन की शुरुआत करेगी। आधे घंटे में तेरा रूम साफ चाहिए मुझे। भाई साहब। क्या बे? कितना लोन है भाई? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, करोड़, 5 करोड़ पापा दे देंगे। सूद मिला के आज की तारीख में कर्जा है 5,000 करोड़। पापा इतना लोन खुद के लिए नहीं लेते, देश के लिए लेते। गुरुजी हमारा परीक्षा फेल कर दीजिएगा। फेल कर देंगे? हाँ। काहे रे? पापा कह रहे हैं कि पास होगा ना तो स्कूटर ले देंगे, सेकंड बनेगा ना तो साइकिल ले देंगे। बेबी तुम्हें मुझ पे अब भरोसा नहीं रहा ना? क्यों, कैसे? कल जब मैंने तुम्हें किस किया तो तुमने अपनी आंखें क्यों नहीं बंद करी? हरामी साले, जब लास्ट टाइम मैंने आंखें बंद करी थी ना तो तुम मेरे पर से पैसे लेके भाग गए। 15 बच्चे? अरे उस जमाने में ऐसा ही होता था बेटी, काम काज होता नहीं था और घर में बिजली भी कम रहती थी तो। लेकिन लसन मामा बहुत मेहनती थे। हाँ वो तो हो, दिख रहा है। 15 बच्चे कर गया बुढ़ा। Look, I need break up with you. हाँ तो जा रही है तो जा। वैसे भी लड़कियाँ बस और ट्रेन की तरह होती हैं, एक जाती है दूसरी आती है। और तुम लड़के ऑटो वालों की तरह होते हो, जरा बुलाओ ना ऑटो वाले भैया, चार आते हो। अरे बहू ये बर्तन कैसे टूट गए? वो माँ जी सॉरी, हमारे बीच लड़ाई हो गई थी ना इसलिए बर्तन टूट गए। अच्छा और ये पलंग कैसे टूट गया? सॉरी माँ जी, फिर हमारे बीच समझौता हो गया था ना इसलिए। कल अगर तुम्हारे पिताजी तुमको घर से निकाल दिए तो क्या करोगे? हमारे पिताजी हमको घर से क्यों निकालेंगे? अरे निकाल दिए तो। अरे कैसी बेफजूल बात कर रही हो तुम, हम उनके सपूत हैं, हमको घर से क्यों निकालेंगे? इधर आओ। तुम अगर हमको शादी से पहले प्रेग्नेंट कर दिए तो तुमको घर से नहीं निकाल। हेलो। हेलो कौन बोल रहा है? तेरी माँ। ओए माँ की भोपड़ी होश में आ जा, साली माँ बनेगी तेरी, माँ बने कर दूंगी। सुन नया नंबर लिया मैंने तो घर आओ। मम्मी आप सॉरी। भाई तू तो बहुत मोटा था, इतना पतला कैसे हो गया? भाई मैंने न्यूज़पेपर में एड देखी कि 1 हफ्ते में 10 किलो वजन कम करवाए, तो मैंने उन्हें कॉल किया तो अगले दिन उन्होंने ना एक लड़की भेजी सुबह सुबह 6 बजे मस्त आइटम। फिर पता है उसने बोला है ना, अगर तुम मुझे पकड़ लोगे मैं तुम्हें एक पप्पी दूंगी, तो मैं उसके पीछे भागा भागा पकड़ नहीं पाया तो 1 हफ्ते में ना मेरा वजन कम हो गया और पप्पी भी नहीं मिली। फिर अगले दिन मैंने उन्हें 20 किलो वजन कम करवाने के लिए फोन किया तो उन्होंने ना अगले दिन फिर लड़की भेज दी और इस बार उससे भी मस्त लड़की भेजी। उसने कहा फिर तुम मुझे पकड़ लोगे मैं तुम्हें पप्पी दूंगी। फिर मैं पूरे हफ्ते भागता रहा पकड़ नहीं पाया और 20 किलो और वजन कम हो गया। अस्सलामुअलैकुम, जियो न्यूज के साथ मैं हूँ राबिया अनम। और मैं हूँ वजीह सानी। सबसे पहले जियो हेडलाइन। আজকে কে মেয়েদের নামে আমি একটা বদনাম করেই ছাড়ব, যে যাই বলো। দেখো না মেয়েরা প্রেম করবে খুব সুন্দর দেখতে পয়সাওয়ালা ছেলেদের সাথে, আর যখন বিয়ের টাইম হবে ঠিক সরকারি চাকরিওয়ালা কাকুগুলোকে বিয়ে করবে, টাক মাথা বুড়ো হয়ে গেছে দেখতে ভালো না। ঠিক বললাম? আবুজাদা মেচ, আবুজাদা आदमी उसे ही मारता है जिसे प्यार करता है। और आप क्या समझते हैं मैं आपसे प्यार नहीं करती? और 30 हफ्ते मैंने 50 किलो वजन कम करवाने के लिए कॉल किया।
तो इस बार उन्होंने ना सुबह सुबह इतनी गंदी सी लड़की भेजी जिसके अजीब सा मुंह था, नाक बह रही थी, वो बोली इस बार मैंने तुम्हें पकड़ लिया तो मैं तुम्हें पप्पी लूंगी। भाई साहब इतना भाग रहा हूँ मैं तब से, भागे जा रहा हूँ बचा ले भाई। मेरे पास मत आना। क्यों? आज तो हमारी स्वागत छेड़ा। मैंने अपनी मम्मी को प्रॉमिस किया था कि मैं शादी के बाद ये सब छोड़ दूंगी। क्या? इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए जी। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास, 50 लाख चाहिए, उससे कम की स्कीम नहीं हो सकती। 50 लाख तो फिर अपना काम खल्लास। ए सुन 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 सुन, बैठ। तुमने धोखा दिया, छोड़ने का इरादा तुम्हारा था, तुमने प्यार ना किया, टूटा दिल जो हमारा था। तुम ऐसी तो नहीं थी कभी, बदलने पर तुमने मजबूर किया था। झूठ का अवार्ड तुझे मिला, नाम तो नीचे तुम्हारा दिया था। तुमने कहा था मुझ पर यकीन करना, मेरा इंतजार करना। इस दिल ने कहा किसी बेवफा से प्यार मत करना।